माता पिता की जय। ये नारा अपने आप में ही एक पवित्र नारा है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य पूर्ण होना असंभव या नामुमकिन है। जी हाँ, ये नारा श्री देवालय संघ द्वारा दिया गया है। श्री देवालय संघ संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक कर उन्हें शक्तिशाली बनाने का मंत्र देना और राक्षस रीति को खत्म कर समाज में संस्कार और संस्कृति को बचाना है। श्री देवालय संघ द्वारा लोनी में स्थित श्री जगन्नाथ मैरिज होम में रविवार को एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी, जो कि कहीं न कहीं संस्कार और संस्कृति से मुंह मोड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी के मन में बुजुर्गों और बड़ों के प्रति मान सम्मान की भावना पैदा करना। संस्था के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि श्री देवालय संघ द्वारा महासम्मेलन का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोग शक्तिशाली बने और राक्षस वृत्ति समाप्त हो। इन सभी उपदेशों को लेकर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब संस्था के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता से विशेष बात की, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज कार्यक्रम मुख्य एक ही बिंदु है कि लोग कहते हैं संस्कार समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है तो क्यों हो रहे हैं इसके कोई विचार नहीं करते। सर, इधर जड़ कहाँ है इसकी? कि बड़ों में संस्कार नहीं, बड़े संस्कारवान होंगे तभी बच्चों में संस्कार आएगी। संस्कृति बड़ों में होगी तभी बच्चों में संस्कृति आएगी। और हमारा मुख्य कार्यक्रम जो है, सब कार्यक्रम श्री देवालय संघ के जो भी होंगे वो सबके सुख के लिए, सबने बहुत सुखी को लेकर ही चलेंगे। संस्कृति कैसे होंगे जब संस्कार और संस्कृति हमारी गति में होगी। सर, महासम्मेलन में जो है कि संस्कृत रक्षा के लिए क्या क्या मतलब मुद्दे रखे हैं, कैसे आपने जो है कि जैसे हमने कहा कि जब तक राष्ट्रीय प्रवृत्ति समाज में रहेगी हम सुखी होने की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रीय प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली होना ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि संविधान को न रावण माना न दुर्धन माना, शक्तिशाली होने के लिए हमें चाहिए आत्मबल और संगठन। आत्मबल के लिए चाहिए संस्कार और संगठन के लिए चाहिए संस्कृति। तो संस्कार के मुख्य बिंदु कहाँ हैं? जय हो माता पिता। तो बहुत सिंपल शब्दों के अंदर सबको कहते हैं निवादन करें, बोलते हैं आपस के अंदर सुबह शाम जय हो माता पिता की। इस एक अभिवादन से ही संस्कार आने शुरू हो जाएंगे, आत्मबल आना शुरू हो जाएगा। और जिसमें आत्मबल हो तो किसी भी हाथी के काम करकर ले सकती है। सर, संस्था का ऐसा महासम्मेलन फर्स्ट टाइम किया है या पहले भी जो है क्या होता है? कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं, लेकिन इस लेवल पर कार्यक्रम पहली बार हुआ है। अब हम पूरे को जा रहे हैं, लेनी में पहले भी कार्यक्रम हुआ था, दिन देखा तो हमारे साथ पहले बार भी हुआ था। आप सबसे मिलते जाता है कैसे पहुँचोगे, मैं सोचेगा हम पहुँचेंगे जहाँ मैं पहुँचे रहूँगी, जहाँ पहुँचे रहूँ फिर वहाँ पहुँचेंगे। देवालय संघ के द्वारा और क्या क्या जो है कि ये तो आपका होगा कि संस्कृति, और इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम? हम कहते हैं प्रभु कार्य है, भगवान ने क्या कार्य किया, भगवान ने ना तो किसी की हेल्प ठीक की, ना किसी को धन देने की बात की, ना किसी की और प्रथम सेवा करने की बात की, बुद्धि की बात की। धन की बात करें, बुद्धि की बात करें, शक्ति की बात करें, राम ने बहुत ठीक भगवान ने क्या किया उसकी शादी की, तो फिर राम ने क्या कि भिड़ के रास्ते से भविष्य में शक्तिशाली बनाया। तो चिड़िया बात से ज़्यादा रोटी लाइक करती है, सवा लाख से एक लाख। तो हम श्री देवालय संघ में काम कर रहे हैं शक्तिशाली बनाए। जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, समाज शक्तिशाली होगा, तो सारे काम शुरू करें। अगर उनसे बात करें सदस्य की, तो क्या आप सबसे दौड़ते हैं या मतलब इसी तरीके से सम्मेलन का हम लोग हमारे वैसे भी चलते आते हैं, हर सप्ताह मीटिंग करते हैं, संस्कृति रक्षा तो बहुत लोग आते हैं हमारे मेम्बर आते हैं, जाते हैं हमारे सदस्य बन चुके हैं। सदस्य का नाम रखा हमने संस्कृति रक्षा, हमारी मीटिंग का नाम संस्कृति रक्षा पर चर्चा। हम लोग बुझ रहे हैं इसके लिए, जो हमने बात वो रखी है कि किसी भी मत को, धर्म को, जाति को मानने वाला व्यक्ति उन बातों को स्वीकार करे। अभी तो सब कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके? लगभग 5,000 लोग हमारे जुड़े। कोई लक्ष्य वगैरह भी है कि जोड़ने का या कोई मतलब है कि प्राणी मात्र, प्राणी मात्र। हर व्यक्ति जो सुखी होना चाहता है और जो सबको सुखी देना चाहता है वो लक्ष्य है। आप अपने मित्रों में कहा करता हूँ भाई, मेरी बात उन लोगों के लिए है जो सबका भला चाहते हैं, जो केवल अपना चाहते हैं उनकी बात मेरे राक्षस काम के बाद सबका भला चाहते हैं।
दिवाले सर की अगर बात करें कि शुरुआत कब हुई और कितना साल हो? लगभग एक साल ही हुआ है सरकार, इसका अभी कुछ निगोशन हुआ है। अभी जैसे संकल्प बनाए, हमने ये किनारा बनाया, विभाजन बनाया, तो किसान बहुत भी विभाजन के पास है, उसको प्रेरित कर रहा है। काफ़ी जगह हमारा विकास हो रहा है, दिल्ली के बच्चे और हम ऐसे लोग आ रहे हैं बाद में हम गए थे तो हम लोग हमारे जुड़े हैं। और एक मानवता के नाते लोगों को संदेश देना चाहें आप अपने एक ही बात से शक्तिशाली बना, खुद शक्तिशाली होगी तभी किसी की सहायता कर पाओगे। हम पंच का परमाधिकारी संतान हैं तो परम शक्तिशाली हैं, परमेश्वरेश्वरी हैं, उन्हें अधिकार नहीं कमजोर होने का। शक्तिशाली बने, समर्थ बने, लोगों के समर्थ बने। राम निवास, राम निवास जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है श्री ज्वाले सर के द्वारा उपस्थित होकर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं बढ़ी है और पाश्चात्य संस्कृति और निकाले की जो शिक्षा नीति और पद्धति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति में कहीं आघात पहुँचा है। तो हमारी संस्कृति को पढ़ने की आवश्यकता है, उसको अपनाने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है और उसके शिक्षा अनुसार की आवश्यकता है। तभी हमारी संस्कृति संस्कृति अच्छा बात करें जो विदेशी और जो भारतीय संस्कृति तो नया वर्ष जैसे आने वाला है तो क्या इस तरीके से लोगों को जो है कि नया वर्ष जैसे कि हमारा भारतीय वर्ष अप्रैल में इसमें क्या लोग जैसे कि लगता है संस्था के महत्व को समझ पाएंगे? हमारे देश में 1 अप्रैल को नव वर्ष मनाया जाता है। दीपावली पर आप गुजरात और महाराष्ट्र में आएंगे तो वहाँ नव वर्ष की शुभकामनाएं दीपावली नहीं बोलते, वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात वहाँ बोलते हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो अलग अलग देश में हमारे यहाँ नव वर्ष मनाया जाता है। बाकी जो राष्ट्रीय नव वर्ष की जो हमारी तिथि चैत मास की प्रथम तिथियाँ है और उसमें इसी चीज से अपनी गणेश स्थापना दुर्गा पूजा लेकिन हमारा नव वर्ष इस पहल को कैसे देखते हैं दिवाली से? पहल को दिवाली से एक अच्छा काम कर रहा है हमारी संस्कृति और कहा है कि माता पिता माता किसी भी संस्कृति की शुरुआत है, तो माता पिता का वो जनक है जो संस्कृति को पैदा करते हैं और अगर पैदा करने वाले की हमने जय नहीं बोली और उनका सम्मान और आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को कहीं ना कहीं नष्ट या कहीं ना कहीं कमजोर करने की स्थिति। जिस तरह श्री देवालय संघ द्वारा माता पिता की जय नारे के साथ लोगों बीच जाकर और उन्हें संस्था के साथ जोड़कर उसमें संस्कार कायम रखने और संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से यह बीड़ा उठाया है, ये अपने आप में ही एक सराहनीय कदम है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट। बहुत बेहतर, थोड़ी सी और तेज आ सकती है तालियों में, जितनी तेजी आप लाएंगे उतनी एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी।